आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गर्भपात पूरा हुआ है या नहीं? आपने जो एबॉर्शन के लिए ट्रिक फॉलो की है उसने फुल वर्क किया है या नहीं? आपका जो बेबी का पार्ट है ऐसा तो नहीं कि आपके यूट्रस में अभी भी है? तो इसके लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारा पूरी तरह से गर्भपात नहीं हुआ है, या यूँ कह लो कि हमारा अभी गर्भपात अपूर्ण है। तो इसका सबसे फर्स्ट नंबर जो है वो है आपके यूट्रस के साइड में, आपको पेट के निचले हिस्से में काफ़ी मरोड़ सी फील होती है। और ऐसा नहीं कि आपको ये एक घंटे या दो घंटे या फिर एक दिन ही रहती है, आपको ये रेगुलर पेन बना ही रहता है। आपको नीचे की साइड हल्का हल्का मरोड़ जो होता है वो हर वक्त फील होता ही रहता है। एबॉर्शन के बाद से आपको ये मरोड़ रेगुलर बनी ही रहती है। तो ये एक ऐसा सिम्टम होता है जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपका पूरी तरह से एबॉर्शन नहीं हुआ है, आपका बेबी फुल एबॉर्ट नहीं हुआ है। और इसके अलावा है क्लॉटिंग, अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा क्लॉटिंग दिख रही है तो ये भी एक सिम्टम होता है जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपका फुल हुआ है, आपका अपूर्ण गर्भपात है। इसके अलावा आपको ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है तो भी ये अपूर्ण गर्भपात का ही सिम्टम होता है। वैसे ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जब हम एबॉर्शन के लिए ट्राई करते हैं उसके बाद 3 से लेकर 7 दिन के भीतर ही आपका एबॉर्शन क्लियर हो जाता है, आपका पूर्ण रूप से गर्भपात हो जाता है। और इसके अलावा आपको अगर 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग दिख रही है, आपको 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए या महीना होने को आया है, आपको अभी भी ब्लीडिंग रेगुलर है, देन आपको ऐसे केस में गायनिक से ज़रूर से कंसल्ट करना है, आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है फिर भी आप घर पे आराम से वेट कर रहे हैं कि किसी न किसी दिन सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको डॉक्टर से ज़रूर से परामर्श लेनी है। जब हम एबॉर्शन के लिए ट्राई करते हैं तो किसी भी हमने अगर सप्लीमेंट का यूज़ किया है या किसी भी घरेलू नुस्खे का यूज़ किया है तो उसके बाद हमें रक्तस्राव की शुरुआत हो जाती है और हमारी जो गर्भग्रीवा होती है वो खुल जाती है, यानी कि जो हमारी सर्विक्स का मुंह होता है वो ओपन हो जाता है। इसके बाद जो भी हमारा बेबी होता है वो ब्लीडिंग के जरिए निकल जाता है, या फिर यूँ कह लो कि जो हमारा भ्रूण होता है जिसका कि अभी डेवलपमेंट शुरू ही हुआ होता है वो ब्लीडिंग के जरिए बाहर हो जाता है। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आपका बेबी एबॉर्ट होने के बाद भी आपको रेगुलर ब्लीडिंग चलती ही रहे 15 दिन 20 दिन महीने भर, ऐसा नहीं है। अगर आपको 7 या 8 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग दिखती है या आपको क्लॉटिंग भारी मात्रा में दिखती है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर से परामर्श लेनी है। तो आपको घर पर उसके बंद होने का वेट नहीं करना है, आपको कंसल्ट ज़रूर से करनी है। आपको अगर पेट में असहनीय पीड़ा हो रही है, पेट में आपकी सहनशीलता से ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब भी आपको डॉक्टर से ज़रूर से मिलना है। आपको अल्ट्रासाउंड तो कम्प्लीटली ज़रूर करवाना है। अल्ट्रासाउंड में आपको डॉक्टर सही तरह से देख के बताता है कि आपके यूट्रस में अभी और ब्लड तो नहीं शेष रह गया है। कई बार हमारे यूट्रस में जो ब्लड होता है, एबॉर्शन का जो ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग हो जाती है, वो वहीं पर जम जाता है, तो आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर से करवाना है। तो डॉक्टर आपको क्लियरली देख के बताता है कि आपके यूट्रस में अभी बेबी का पार्ट तो नहीं रह गया है या फिर जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है उसमें से कुछ पार्ट तो नहीं रह गया है। देन आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि कौन से अगर लक्षण दिखे तो आपको समझना चाहिए कि आपका अपूर्ण गर्भपात है, अभी आपका बेबी क्लियरली एबॉर्ट नहीं हुआ है। किन केसेस में आपको डॉक्टर से ज़रूर से सलाह लेनी है, तो अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें, हमें आपकी कमेंट का पूरा इंतज़ार रहेगा, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें, आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी हो। जब आप खुश रहेंगे देन आई होप कि आप अपनी फैमिली को भी मेंटेन कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।